student, today we continue the exercise 2B. Okay student, and question number 3 continue था ना, उसी को मैं आगे करा रही हूँ. Continue the exercise, question number 3, second part. Okay? Third question, in question number 3, we state the flowing numbers in standard form. Standard form में हम question को कर रहे थे. मैंने ये question आपको बताया था 0.000035. इन जब मैंने डेसिमल को राइट हैंड साइड में पुट के शिफ्ट किया था, देन वी पुट द साइन ऑफ नेगेटिव. एंड व्हेन वी पुट द डेसिमल साइन इन लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में पुट करेंगे, देन हमारा पावर में पॉजिटिव आएगा. ओके, सेम एज इट इज़ 1 बिलियन. 1 बिलियन को हमें कन्वर्ट करना है इन स्टैंडर्ड फॉर्म. 1 बिलियन मीन्स फर्स्टली मैं 1 बिलियन लिखती हूँ. 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन एंड देन 1 बिलियन. ये 1 बिलियन हो गया. देन 1 × 10⁻⁴ क्या आ जाएगा? 9. इट इज़ हियर इन स्टैंडर्ड फॉर्म. 1 बिलियन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? ये है हमारी 1 बिलियन की स्टैंडर्ड फॉर्म. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मैं इसका फोर्थ पार्ट करा रही हूँ. इन फोर्थ पार्ट में क्वेश्चन इज दैट 0.1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 जीरोज हैं एंड 2 है. देन मैं अपने डेसिमल को कहाँ शिफ्ट कर रही हूँ? राइट हैंड साइड में. मैंने पहले भी बताया था, जब हम डेसिमल को राइट हैंड साइड में शिफ्ट करते हैं तो हमारी पावर में क्या आता है? नेगेटिव. देन 11 तो हमारी 0 थी और ये 1, 1, 2. देन -12 इज योर आंसर. इज दैट क्लियर? मेरे ख्याल से आपको ये क्लियर हो गया होगा. मैं एक एग्जाम्पल वैसे ही बता देती हूँ आपको. अनदर एग्जाम्पल, इफ वी हैव 0.0000025 है, देन हमने, मैंने डेसिमल को कहाँ पुट किया? आफ्टर 2. मैं 2 के बात कर रही हूँ. देन हाउ मैनी डिजिट में शिफ्ट किया कर रही हूँ राइट हैंड साइड में? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 डिजिट के बाद शिफ्ट कर रही हूँ. सो डैट 2.5 × 10⁻¹. क्लियर होगा? जब भी हम राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड से डेसिमल को राइट हैंड साइड में शिफ्ट करते हैं, देन हम नेगेटिव का साइन पुट करते हैं. अनदर एग्जांपल आल्सो, 0.0000375. ओके, नाउ मैं डेसिमल को, आफ्टर डेसिमल का रूल तो यही है, आफ्टर 1 डेसिमल सी आएगा. ठीक है, एक डिजिट के बाद ही डेसिमल आता है. देन मैंने कितने डिजिट है, मैं काउंटिंग कर रही हूँ. देखिए 1, 2, 3, 4, 5. 5 डिजिट के बाद डेसिमल को शिफ्ट किया है. सो डैट 3.75 10⁻⁵ इज दैट क्लियर? दैट इज योर आंसर. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4. ओके, वी कंटिन्यू द क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ x. फाइंड द वैल्यू ऑफ x. x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें. क्वेश्चन इज दैट, फर्स्ट पार्ट है 0.3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, 3 इक्वल 6.3 एंड 10⁻⁶. ये इक्वल में है. ठीक है, हमें इस x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. फर्स्टली सेम वही रूल, हम, मैं डेसिमल को यहाँ शिफ्ट कर देती हूँ. कितने डिजिट किया मैंने? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 डिजिट कर रही हूँ. देन 6.3 × 10⁻⁸ आएगा. देखिए लेफ्ट हैंड साइड में है, मैं इसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर रही हूँ. देन -8 एंड 6.3 × 10⁻⁶. इस x की, इसकी वैल्यू निकालनी है हमें. ये पावर x की वैल्यू करनी है. देन हम यहाँ से कंपेयर कर लेंगे, ये इससे कट भी हो सकता है. 10⁻⁻⁻ है 10⁻⁶. देन x की वैल्यू क्या आ गई? -8 इज डेट. ये आपका आंसर. ओके, फोर्थ का ही मैं आपको सेकेंड पार्ट करा रही हूँ. इन सेकेंड पार्ट 1/5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0.2 × 10⁻⁶. ओके, ये हमारे पास कहाँ है? डिनोमिनेटर में है. सो डैट 1/5 एज इट इज इंटू 10⁻⁶ कितने आ जाएंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 आ गए 10⁻⁹. इक्वल 0.2 × 10⁻⁶. ये मैं पावर ऊपर शिफ्ट कर देती हूँ. 1/5 × 10⁻⁹ - 9 हो गया राइट हैंड साइड में एज इट इज. मैं 1 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूँगी, देन 0.2 आ गया 10⁻⁹. सेम देखिए, ये दोनों हमारे सेम हो गए, कट हो गए.
टेन रेज दी पावर माइनस नाइन, टेन रेज दी पावर एक्स, देन एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया माइनस नाइन। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो गया होगा, है ना, बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। नाउ वी कंटिन्यू द क्वेश्चन नंबर फिफ्थ फर्स्ट पार्ट। मैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का आपको फर्स्ट पार्ट बताती हूँ। 4.3 इसमें ओनली जस्ट सिंप्लीफाई है, ओनली सिंप्लीफाई करना है हमें जो हमें गिवन है। क्वेश्चन इज दैट फर्स्ट पार्ट है 4.325 इंटू 10 रेज द पावर 14 प्लस 2.3 इंटू 10 रेज द पावर 12। देखिए यहाँ 10 रेज द पावर 14 है, यहाँ 10 रेज द पावर 12 है, देन 10 रेज द पावर 12 मैं पहले कॉमन लेता हूँ, देन यहाँ क्या रह गया हमारे पास 4.325 इंटू 10 रेज द पावर 14 था, मैंने 12 कॉमन ले लिया, देन पावर 2 इज रिमेनिंग, 2 पावर रिमेनिंग रह गई और यहाँ हो गया 2.3। 10 रेज द पावर 12 4.325, 10 रेज द पावर 2 का मीनिंग क्या हो गया 100 एंड 2.3। ओके अब मैं इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करती हूँ। 10 रेज द पावर 12 जो मैंने कॉमन लिया था और हमारा 432.5 हो गया जब मैंने 100 से मल्टीप्लाई करी एंड 2.3 ये हो गया। अब इन दोनों को मैं पहले प्लस कर देते हैं, 10 रेज द पावर 12 प्लस करिए 432.5 एंड 2.3। डेसिमल्स के प्लस आपको आते हैं 434.8, ये हमने प्लस कर लिया। ओके मल्टीप्लाई किया था 432.5 एंड 23 ये मैंने प्लस किया, देन अब ये 434.8 इंटू 10 रेज दी पावर 12 ये हमारा आंसर है। बट हमें आंसर इन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है ना, सो डैट हम क्या करेंगे इसमें डेसिमल को मैं इधर शिफ्ट कर देती हूँ, एक डिजिट के बाद लिख देती हूँ 4.348 इंटू, मैंने दो डिजिट इसको यहाँ शिफ्ट किया। जब हम राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करते हैं तो हमारे क्या होती है पावर प्लस में आती है, ये 10 रेज की पावर 12 एज इट इज़ और 10 की पावर 2 आ गया बिकॉज मैंने दो डिजिट इधर शिफ्ट किया है। देन 4.348 इंटू 10 रेज की पावर 12 प्लस 2 14 इज दैट ये आपका आंसर है। ओके सेम एज इट इज़ आप इसका फिफ्थ क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट करेंगे, मैं आपको थर्ड पार्ट और बताती हूँ। 4 इंटू 10 रेज द पावर माइनस 3 की पावर होल पावर में 2, होल पावर मीन्स 4 इंटू 10 रेज द पावर माइनस 3 सेम इसी डिजिट को हम 2 टाइम्स लिख लेंगे। अब डिजिट एक साथ नंबर्स एक साथ लिख लो, 4 मल्टीप्लाई 4 10 रेज द पावर माइनस 3 10 रेज द पावर माइनस 3 देन ये हो गया 16 इंटू 10 रेज द पावर माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, दैट बी योर आंसर। सो स्टूडेंट प्लीज टुडे यू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। ओके क्वेश्चन नंबर 3 यू हैव ऑलरेडी सॉल्व कर भी चुके होंगे, नहीं किया तो आज सॉल्व करें, बट क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 आज आप सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट क्लास में फिर क्वेश्चन नंबर 6 से कंटिन्यू करेंगे। ओके स्टूडेंट थैंक यू।